नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे चार नए व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो चलिए पहले हम सुनते हैं एक कहानी। बच्चों, एक बार एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था शमा। शमा बहुत ही बुद्धिमान थी। वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। शमा अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पिताजी सब्जी बेचा करते थे। वो शमा को आगे पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहते थे। शमा को बहुत अच्छा लगा जब वो शहर पढ़ने के लिए जा रही थी। बच्चों, जब शमा शहर गई तो उसने देखा कि उसका विद्यालय क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। विद्यालय क्षेत्र का मतलब स्कूल उसका बहुत बड़ा है, और उस स्कूल के पास एक पक्षी विहार है जहाँ पर बहुत से सुंदर पेड़ हैं और बहुत से पक्षी रहते हैं, और उन पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आती रहती हैं। शमा और उसके सभी मित्र कभी कभी अपनी अध्यापिका से आज्ञा लेकर पक्षी विहार पक्षियों को देखने के लिए जाया करते थे। शमा को अपने पिता की बहुत याद आती रहती थी। एक बार शमा ने अपने पिता को पत्र लिखा और अपने विद्यालय, कक्षा और अपनी शिक्षा के बारे में बताया, और उसने अपने मित्र श्रुति के बारे में भी अपने खत में लिखा, अपने पत्र में लिखा, और यह भी लिखा कि उनके विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ भी हुआ था, और उस यज्ञ में हम सब ने बहुत अच्छे अच्छे मंत्र भी पढ़े थे। शमा उस पत्र को लेकर डाकघर में गई और उसे पोस्ट कर दिया। जब वह पत्र उसके पिता को मिला और उन्होंने पढ़ा तो उनकी आंखों में गर्व के अश्रु आ गए। बच्चों, अश्रु का अर्थ क्या होता है? आंसू। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता को अपनी पुत्री शमा पर बहुत गर्व महसूस हुआ। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी में हमने बहुत सारे ऐसे शब्द सुने जो इन संयुक्ताक्षरों से मिलकर बनते हैं, जैसे क्ष से बनने वाले कक्षा, शिक्षा, पक्षी, त्र से बनने वाले पुत्र, मित्र, पत्र, ज्ञ से बनने वाले ज्ञान, आज्ञा, यज्ञ, और श्र से बनने वाले श्रुति, अश्रु और श्रम।